किसान भाइयों, अब आपके लिए एक बेहद अहम जानकारी, और वो ये कि बुआई के पहले बीज को फफूंद नाशी दवा कैप्टन थीरम या वेविस्टीन के 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से जरूर उपचारित करें। आइए अब रबी मक्के में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए इसे देखकर समझ लिया जाए। आमतौर पर रबी मक्का में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रबी मक्के के पौधों में नर मंजरी निकलने से लेकर दाना में दूध बनने तक खेत में पर्याप्त नमी का रहना बेहद जरूरी होता है। हालांकि सिंचाई हमेशा हल्की की जानी चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से पौधों के गिरने की संभावना भी रहती है। रबी मक्का की खेती को खरपतवार से बचाने के लिए बुआई के दूसरे दिन ही जमीन की सतह पर समान रूप से खरपतवार नाशी दवा एट्राजीन 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आपने दवा का छिड़काव न किया हो तो रबी मक्के में 2 से 3 निकाई गुड़ाई कर खरपतवारों से फसल को बचाया जा सकता है। जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाएं और उसमें 3 से 4 पत्तियां निकल जाएं, तो खुरपी से फसल की कतारों के बीच पहली निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बार निकाई गुड़ाई तब करें जब मक्का के पौधे 40 से 45 सेंटीमीटर के हो जाएं। इस दौरान फसल में नाइट्रोजन का छिड़काव करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद अगर हो सके तो नर मंजरी निकलने के ठीक पहले तीसरी निकाई करें। उसके बाद नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा का छिड़काव कर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और स्फूर एवं पोटाश की पूरी मात्रा यानी 75 किलोग्राम स्फूर एवं 50 किलोग्राम पोटाश को अंतिम जुताई के समय खेत में छींटकर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। या बीज बुआई के समय उर्वरकों को बीज की कतार से 5 सेंटीमीटर दूर हटकर और बीज की सतह से 3.5 सेंटीमीटर गहराई पर खोदी गई नालियों में डालनी चाहिए। इसके बाद पाटा चलाकर बीज और खाद को ढक देना चाहिए। आपको बता दें कि बुआई के समय खेत में नमी होनी चाहिए। बाद में नाइट्रोजन की शेष बची 80 किलोग्राम की मात्रा को 2 बराबर भागों यानी 40-40 किलोग्राम में बांटकर यूरिया के रूप में 88 किलोग्राम प्रति छिड़काव की दर से पहली बुआई के 50-60 दिनों बाद तथा दूसरा धन बाल निकलने के समय छिड़काव करना चाहिए।